हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इस क्वेश्चन का जवाब सही देंगे, मैं उनका नाम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करूँगी। तो फ्रेंड्स, कल पूछा गया सवाल था, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ए कल्पना चावला, बी लता मंगेशकर, सी सरोजनी नायडू, डी आशा भोसले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लता मंगेशकर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है प्रियंका गुप्ता, साहिल डेविड और मेहर गार्डन ने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का रस किस देश का राष्ट्रीय जूस है? ए पाकिस्तान देश का, बी भारत देश का, सी भूटान देश का, डी नेपाल देश का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए पाकिस्तान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए पृथ्वी ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बुध ग्रह, डी शनि ग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों की आयु कितनी होती है? ए 10 से 15 दिन का, बी 20 से 35 दिन का, सी 45 से 100 दिन का, डी 80 से 100 दिन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 45 से 60 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी को, बी 28 फरवरी को, सी 15 अगस्त को, डी 15 नवंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? ए शाहजी भोसले, बी सांभाजी, सी जहांगीर, डी अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए शाहजी भोसले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी है अकबर को, ऑप्शन नंबर सी है सुल्तान को, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर को। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज के एक हाथ में 4 उंगलियां हैं? ए है सचिन तेंदुलकर की, बी है युवराज सिंह की, सी है पार्थिव पटेल की, डी है महेंद्र सिंह धोनी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पार्थिव पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी नीम, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी बरगद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया? ऑप्शन नंबर ए है रूस देश ने, ऑप्शन नंबर बी है भारत देश ने, ऑप्शन नंबर सी है जापान देश ने, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी देश ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी देश ने। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का जवाब
नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, किस जीव का सिर कट जाने पर भी वह हफ्तों तक जीवित रहता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी है जिराफ, ऑप्शन नंबर सी है कंगारू, ऑप्शन नंबर डी है मगरमच्छ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की नॉलेज हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।